पाकिस्तान 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 भारत इंडिया 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 पाकिस्तान पाकिस्तान भारत इंडिया। हम लोग का मकसद यही है इंशाल्लाह नवाबजादा मीर सिराज खान रईसानी का सोच मिशन यही था कि हम लोग इंशाल्लाह बलूचिस्तान और सरयाब घर घर पर पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे और इंशाल्लाह हम लोग ये मिशन चलता रहेगा, इंशाल्लाह घर घर पर पाकिस्तान का झंडा पहुंचाएंगे। यार मोदी का तो हम लोग यही समझता है, मोदी का दिमाग काम नहीं करता, वो तो पागल है। और दूसरा भी उसका मेजर जो बयान दे रहा था वो भी होश में नहीं था, अगर होश में होता तो ऐसा बयान नहीं देता था। फौज तो अलग बात है, इंशाल्लाह सरकार हम लोग को इजाज़त दे, हम लोग उसको अच्छा सबक सिखाएंगे। और इंशाल्लाह हम लोग सही शहीद सिराज का सिपाही है, इंशाल्लाह हर टाइम अपना मुल्क का लिए हर कुर्बानी से इंशाल्लाह दरेग नहीं करेंगे, हर कुर्बानी के लिए तैयार है और भारत का इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे। अल्लाह रहमान रहीम। देखिए जी, आज का जो हम लोगों ने प्रोग्राम यहाँ पे मुनाकिद किया हुआ था, शहीद सिराज खान रईसानी साहब जो पाकिस्तान के एक निडर एक बहादुर इंसान थे और पाकिस्तान के लिए उसने अपना जान कुर्बान कर दिया, जाम नोश शहादत नोश किया उसने, और साखे दरिंगढ़ के जितने भी हमारे शहीद थे उनके लिए कुरान अख्वानी और सवाब के लिए, और उसके बेटे फर्जंद मीर अकमल शहीद के फर्जंद उसके जो ना उसके लिए भी कुरान ख़त्मी और जितनी भी हमारे शहादत के होते। बलूचिस्तान में पार्टी का मकसद भी यही है और पार्टी के जो मनसब यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जैसे भी ये इंटर हुआ तो सबसे पहले मेरे ख्याल में हमारी पार्टी ने कुर्बानी दी, तो हम चाहते हैं कि ये कुर्बानी हम पाकिस्तान के लिए दे रहे हैं। किसी ऐसे सोच हमारी नहीं है कि ये पाकिस्तान बना है तो हमारा मकसद ये है कि बलूचिस्तान है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो बलूचिस्तान है। पाकिस्तान के बगैर हम कुछ भी नहीं है। जहाँ इतने हमारे शहीदों ने कुर्बानी दी है, इससे बढ़ के आगे भी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार है। नवाब शहीद सिराज खान के जितने भी सिपाही जितने भी बाजू आए थे, मैंने कहा कि भारत अगर ये अपना गहना हो ये अपनी धमकी दे रहे हैं, हम इससे डरने वाली नहीं है। अभी भी मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर हमारे पाक आर्मी हमें इजाज़त दे तो इंशाल्लाह शाम का अजान यही हमारे बाजू यही हमारे सिपाही वहाँ पे जो है ना नई दिल्ली में अदा करेंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, मैंने बिलखसूसन यही कहा कि हमारे पार्टी के सीनियर रहनुमा माम अली साहब दस्ते रास्त थे, उसके जितने भी पार्टी के रहनुमा थे, हमारे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब मंजूर काकड़ साहब जितने भी पार्टी के रहनुमा, उनके नाम भी हम लेना चाहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। देखो ये मिशन मैंने यही कहा कि इस पर हम लोगों ने अभी एक ऐलान किया यहाँ पर कि बिलखसूस बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का जो प्रोग्राम चल रहा है उसी हवाले से एक सिस्टम हम लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, इंशाल्लाह आने वाले महीने पे शहीद एक सोच रखता था गरीबों की, ऐसे अवाम की, ऐसे बहादुर ज़िंदगी उसने गुजारा, निडर गुजारा, और हम भी शहीद के सिपाही है, हम भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए हमारा जान कुर्बान, उसके मिशन को हम आगे ज़रूर ले जाएंगे इंशाल्लाह। ये इंडिया जो धमकी दे रहा है वो असल बात छुपा रहे हैं। असल बात यह है कि वहाँ पर इंडिया में ख़ुद जो है ना अलहदगी पसंद जो निकले हुए हैं, इंडिया मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, वो उनको छुपाने के लिए जो है ना कभी पाकिस्तान में एक दो गोलाबारी करते हैं, इनसे हमें डरा रहा है। इनसे हम डरने वाले नहीं है, हम इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम है, हम एक कौम है, आपकी तरह नहीं है, आपके तरह जालिम नहीं है। कश्मीर पे जो है ना एक तरफ जुल्म करते हो, दूसरे तरफ आप अपने हिंदुओं पर जुल्म करते हो, तीसरे आपसे जो है ना सिख बिरादरी के जो है उन पे जुल्म करते हो, आप क्या कर रहे हो इस एशिया में जो है ना, आप कौन सा मैसेज दे रहे हो? ये जो है ना ये इंडिया जो है ना ये सिर्फ अपना वो जो किए हुए है उनको छुपाने के लिए जो है ना कभी पाकिस्तान को धमकी दे रहा है और कभी एक दो गोलाबारी कर रहा है, उनसे हम नहीं डरते। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम एक है, एक रहेंगे और इंशाल्लाह उनसे डट के मुकाबला करेंगे। मुल्क के दिफा के लिए हमेशा हम अकलियतों ने बहुत अच्छा एक किरदार अदा किया है। अब माजी में चले जाएँ, पाकिस्तान बनने पर चले जाएँ, तो तब भी हमारे जो थे एसपी सिंगा वगैरह, ठीक है, हमारे जो माजी के लीडर थे, उन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तान के साथ हमेशा हम
फ्रंट लाइन पे खड़े हैं, जिस तरह वो हम यहाँ के अक़लियती हैं और वहाँ के जो अक़लियतों को हमारा मुखालिफ जो हमारा मुखालिफ कंट्री है इंडिया वो तंग करता है, तो मैं कहता हूँ कि मेरा दिल खून के आंसू रोता है, क्योंकि हम अक़लियतों को यहाँ हमारे मुसलमान भाइयों ने इस तरह संभाले हुआ है कि हमारे तमाम राइट्स हमें मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ जब इस तरह के सानियाँ पेश आते हैं तो हमारा दिल ही जो है ना, हमारा दिल दुखता है। और हमें वो सिराज खान रसानी का वो नारा याद आता है जब वो कहते थे कि आप पाक आर्मी को कहते कि आप मुझे इजाज़त दे दो, 700-800 मुजाहिद मेरे हैं, उनमें हम भी थे, उनमें हम क्रिश्चियन भी थे। तो कहने की बात ये कि वो जो जैसी बातें करता है वैसा कर नहीं सकता। हमें अपनी पाक आर्मी पर फ़ख्र है, खुदा का शुक्र है कि हम एक एटमी ताकत हैं। ये जो फ़िज़ाई हमले, ये सारे वो उसकी बातें हैं। हमेशा जब भी उसने वार किया उसमें नाकामी हासिल हुई है, और अब भी जब वो वार करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी।